इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। सुशांत के निधन ने कई तरह के सवालों को जन्म दिया है और इन सवालों के जवाब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले पर हर एक मुमकिन एंगल से जांच होनी चाहिए। अब इन सबके बीच महाराष्ट्र के आवास मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र का बड़ा बयान सामने आ गया है। जितेंद्र आह्वाड ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में विस्तृत जांच करने की मांग की है। साथ ही कहा है, कार्टेल की कहानी डरावनी है, किसी भी नावांगतुक को ऐसी यातनाओं से नहीं गुजरना चाहिए। ट्विटर हैंडल पर जितेंद्र लिखते हैं, मेरी व्यक्तिगत क्षमता में मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। हमने एक आगामी प्रतिभाशाली अभिनेता को खो दिया है जो पटना से बॉलीवुड में खुद के लिए जगह बनाने के लिए आया था। ये कहानी डरावनी है और किसी भी न्यू कमर को ऐसी यातनाओं से नहीं गुजरना चाहिए। एनसीपी नेता ने कहा, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे। सार्वजनिक सच्चाई डोमेन में आनी चाहिए कि हम उनकी फिल्में रोक रहे हैं, क्या हम उनकी फिल्में प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ फिल्मों से जबरन हटाया गया। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली जैसी बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिस पर सुनवाई होगी 24 जून को। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।